IPL 2022 के लिए लगातार सभी IPL टीमों की तरफ से मेगा ऑक्शन से पहले बड़ी से बड़ी अपडेट हम सभी के सामने आती रहती है। उसी तरह हम बात करेंगे आज के वीडियो में आज के दिन के लिए कौन सी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों IPL 2022 के लिए पंजाब किंग्स की टीम के लिए लखनऊ टीम का ऑफिशियली नाम पता चल चुका है। साथ साथ दोस्तों और भी सारी खबरें, तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों आज के दिन के लिए निकल कर आ रही है। ये पहली बड़ी अपडेट है, कल शाम को लखनऊ टीम का नाम हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते दिखाई दी और लखनऊ टीम का नाम यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोस्तों कल शाम को हुई थी। पहले इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया गया कि अनाउंसमेंट होने वाले नाम की, और उसके 40-45 मिनट बाद अनाउंसमेंट हो गई नाम की। और दोस्तों ये वही नाम है जो पुणे सुपर जायंट्स के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि दोस्तों पुणे सुपर जायंट के जो मालिक थे वही लखनऊ टीम के मालिक हैं। तो वही नाम दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की टीम ने शामिल कर लिया, क्योंकि दोस्तों इस नाम से ये फाइनल भी खेल चुके हैं, तो ये नाम इनके लकी भी हो सकता है। तो ये थी दोस्तों पहली अपडेट, हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। वो अपडेट है दोस्तों रवि बिश्नोई को लेकर। रवि बिश्नोई की तरफ से दोस्तों बड़ा बयान आया KL राहुल के लिए। रवि बिश्नोई का ये मानना है कि KL राहुल ने दोस्तों इनका नाम लिया था लखनऊ की टीम के लिए, कि रवि बिश्नोई को उनकी टीम में तीसरे पिक के तौर पर लिया जाए। ये रवि बिश्नोई का मानना है कि KL राहुल ने बोला होगा, और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि KL राहुल ने शायद नाम लिया हो दोस्तों रवि बिश्नोई का स्पेशल पिक के तौर पर लेने के लिए, क्योंकि ये बड़ा खिलाड़ी जो कि पंजाब किंग्स की टीम में पहले भी खेल चुका है और KL राहुल की कप्तानी में खेल चुके हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे पंजाब किंग्स की टीम में जब भी प्लेइंग 11 में शामिल रहते थे। तो ये बयान था दोस्तों रवि बिश्नोई का KL राहुल को लेकर। हम बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर शाहरुख खान और आवेश खान को लेकर। दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी, दो बड़े खिलाड़ी यहाँ पर हमें मेगा ऑक्शन में दिखाई देंगे, और दोनों का बेस प्राइस यहाँ पर आप सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों 20 लाख रुपए सिर्फ इन्होंने अपना बेस प्राइस रखा हुआ है। और आप सभी को बताया कि ये दोनों खिलाड़ी शाहरुख खान और आवेश खान, ये दोनों खिलाड़ी हमें करोड़ों में बिकते हुए नजर आएंगे। करीबन आवेश खान हमें 5-6 करोड़ में जाते हुए नजर आ सकते हैं, दूसरी तरफ शाहरुख खान हमें आराम से 8-10 करोड़ में जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी माने जा रहे हैं। डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा फिनिश करके दे रहे हैं किसी भी टीम के लिए, अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए। तो ये खिलाड़ी दोस्तों IPL में बहुत ही बड़ी रकम में बिकते हुए नजर आ सकता है, और वापस पंजाब किंग्स की टीम इनके पीछे जा सकती है, या फिर दोस्तों RCB टीम, या फिर कोई भी ऐसी टीम जिनको फिनिशर की तलाश है जो कि इंडियन फिनिशर हो, तो वो टीम इनके पीछे जाना चाहेगी, शायद नई टीम में चली जाए। और आवेश खान भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया विकेट टेकर गेंदबाज थे IPL 2021 के सीजन में। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि आवेश खान और शाहरुख खान दोनों खिलाड़ी कितने करोड़ों में जा सकते हैं और किस टीम में जा सकते हैं IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में? और इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों आकाश चोपड़ा की तरफ से। आकाश चोपड़ा का एक बड़ा बयान आया है पंजाब किंग्स की टीम के लिए। पंजाब किंग्स की टीम को एज अ कैप्टन यहाँ पर दोस्तों मयंक अग्रवाल को देखना चाहिए, ये पंजाब किंग्स की टीम के लिए आकाश चोपड़ा ने कहा है। ऐसी बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है कि डेविड वार्नर या फिर श्रेयस अय्यर कोई कप्तान बनते हुए दिखाई दे। आकाश चोपड़ा का मानना है कि मयंक अग्रवाल को दोस्तों कप्तान बनाना चाहिए पंजाब किंग्स की टीम के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया कप्तानी कर दिखा सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपने देखा होगा KL राहुल जब इंडियन टीम की कप्तानी की है तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया है। वो जिस तरह से पहले फ्रीडम से बैटिंग करते थे उस तरह से वो फ्रीडम से बैटिंग नहीं कर पाए, तो यहाँ पर वही हालत मयंक अग्रवाल की ना हो, क्योंकि मयंक अग्रवाल की दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहती है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ऊपर रहता है हमेशा, वो बहुत ज़्यादा डॉट नहीं करते, वो हमेशा छक्के और चौके में डील कर लेते हैं। तो ऐसे में इनको कप्तान बनाकर इनकी परफॉर्मेंस हो सकता है डाउन हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इनके पास इतने सारे पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेगा ऑक्शन में ये और बड़े खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर ले, डेविड वार्नर बहुत ही बढ़िया चॉइस रह जाएंगे कप्तानी के लिए, और बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही अच्छी मजबूती दे देंगे। लेकिन ये आकाश चोपड़ा का मानना था कि मयंक अग्रवाल को कप्तान बनाना चाहिए। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या मयंक अग्रवाल कप्तानी कर पाएंगे पंजाब किंग्स की टीम की, या फिर किसी और प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर डेविड वार्नर या फिर श्रेयस अय्यर, इनमें से किसी को पंजाब किंग्स की टीम का कप्तान बनाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पर दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर को लेकर। जैसा कि आप सभी को बताइए दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो राहुल द्रविड़ का दोस्तों इनके ऊपर बड़ा बयान आया है। राहुल द्रविड़ ने साफ साफ बता दिया आने वाले मैचेस में इंडियन टीम में ये दोनों एक साथ हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा करके दिखाया जब भी इनको मौका मिला इंडियन टीम के लिए प्लेइंग 11 में, इन्होंने बहुत ही अच्छा करके दिखाया, तो आने वाले मैचेस में इन दोनों खिलाड़ी को लगातार प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा और मौके दिए जाएंगे और अच्छा करने के लिए। तो ये बयान था दोस्तों राहुल द्रविड़ का ये दोनों खिलाड़ी को लेकर। तो यही थी दोस्तों आज के दिन के लिए सारी अपडेट, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए जो कि IPL 2022 के लिए दोस्तों सभी IPL टीमों के लिए निकल कर आती थी, उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो कर देना।